जय सिया राम, हरिओम। फुल सपोर्ट टू रमेश बिधूरी जी। वैसे रमेश बिधूरी जी को संसद के अंदर लुच्चा, लफंगा, आतंकी, उग्रवादी, कटवा जैसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि सत्य को आप छिपाएंगे, सत्य को झुठलाएंगे, तो उसका प्रहार जो होगा वो आप झेल भी नहीं पाएंगे। तो सत्य को उजागर तो करते रहना चाहिए। संस्कृत में श्लोक है और बहुत ही प्रचलित कहावत भी है कि सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, सत्यम अप्रियम न ब्रियात। आप सत्य बोलो, आप प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य जो अप्रिय हो आपको नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन ये अप्रिय जो सत्य है, आप अगर नहीं बोलते हैं तो आपका जो सत्य है बहुत खतरनाक है उनके लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि रमेश बिधूरी जी का जो सत्य है वो जग जाहिर है, जो उन्होंने कहा। देखिए, दानिश अली का जो सत्य है वो आपको खत्म कर देने वाला सत्य है। दानिश अली और उसके जैसे मजहबी जो लोग हैं, जो भीड़ है, जो तंत्र है, उसका जो सत्य है वो आपके अस्तित्व को मिटा देने वाला सत्य है। जिनकी जन्मभूमि भारत है, कर्मभूमि भारत है, धर्मभूमि भारत है, उनका जो सत्य है उसको दानिश अली और उसके जैसे लोग ख़त्म कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं। उनका सत्य जो है भारत को लूट कर, खसोट कर, उस पर अधिकार कर अपना प्रभुत्व जमाना है। और इसका एक उदाहरण मैं दे देता हूँ आपको कि ये अमृतकाल चल रहा है माननीय मोदी जी का। कहते हैं अमृतकाल है और अमरोहा जो रेलवे स्टेशन है अमरोहा का, और ये जो बीएसपी का जो एमपी है दानिश अली, वो बीएसपी का एमपी है दानिश अली, उसको एक उद्घाटन समारोह में, रेलवे स्टेशन पे उद्घाटन समारोह में जो रिनोवेशन हुआ था उसमें बुलाया गया था। तो वहाँ हरि सिंह ढिल्लो थे, एमएलसी थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। तो ये दानिश अली चीख पड़ा, बोलता है ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं है, भारत माता की जय के नारे नहीं लगा सकते। लड़ाई हुई, झगड़ा हुई, छीना झपटी हुई। हरि सिंह ढिल्लो ने कहा ये भारत सरकार का कार्यक्रम है और इसमें भारत माता की जय के नारे लगेंगे, और लगे। कुंवर दानिश अमृत भारत स्टेशन योजना कार्यक्रम में पहुंचे थे। जब वो मंच पर मौजूद थे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर बीएसपी सांसद बिफर गए। ये आप नाराज क्यों हो गए? पार्टी के नारे तो ये है दानिश अली और उसके जैसे लोग जो भारत माता से नफरत करते हैं, इस भूमि को न कर्म भूमि मानते हैं न जन्म भूमि मानते हैं, वो इसे अपने अधिकार की भूमि मानते हैं क्योंकि वो मजहबी हैं। उनका मजहब कहता है कि जब तक दुनिया की धरती का आखिरी आदमी तक मुसलमान नहीं हो जाएगा, आखिरी इंच तक जब इस्लामिक जमीन नहीं हो जाएगी, उनका धर्म पूरा नहीं होगा, मजहब पूरा नहीं होगा। और ऐसा ही ये मजहबी आदमी है जो भारत में है, और उसके सत्य को आप सत्य नहीं समझेंगे तो आप खत्म कर दिए जाएंगे, आपकी मिट्टी पलीद होगी, या तो आप पर अधिकार कर लिया जाएगा, उनका प्रभुत्व होगा, आप उनके कदमों में होंगे अगर जिंदा रहेंगे तो, नहीं तो उनके जैसा आपको बनना पड़ेगा। और उसको, उस सत्य को उजागर कर दिया रमेश बिधूरी जी ने, इसलिए फुल सपोर्ट टू बिधूरी जी। अब आगे क्या हुआ इस पर जरा सा नज़र डाल दें कि रमेश बिधूरी जी को भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा ने सो कोज नोटिस दिया है कि भैया सुन ले, तुमने जो किया है उसका जवाब दे 10 दिनों में। ठीक,
और ये जो पूरा तंत्र है, जो टूल किट है, वो पिटपिटाए हुए है कि ये क्या हो रहा है, ये भारत कहाँ जा रहा है, ये हेट स्पीच है, ये मुसलमानों के प्रति नफरत है, ये लोग जो सत्य है उसको जो नहीं देखना चाहते, क्योंकि गांधी बाबा ने जो किया, नेहरू को ट्रांसफ़र किया सत्ता, उन्होंने जो किया, वहाँ से आते आते मोदी जी तक जो भारत का चरित्र है उसको बदल के रख दिया और इसे एक तरह से शरिया वाला देश बना दिया। उस सत्य को जो भी कोई उजागर करेगा, उस सत्य से जुड़े हुए लोगों को उजागर करेगा, तो ये हो हल्लंगाम होगा कि बंटवारे के बाद का भारत आज तक हिंदू सनातनियों का भारत तो हुआ नहीं, स्वतंत्र तो हुआ नहीं, जिस आधार पर इसका बंटवारा हुआ था वो तो बंट के भारत बना नहीं, क्योंकि उसके नेता ऐसे थे नहीं। और ये देखिए, ये जो उदय स्टालिन है जिसने कह दिया कि सनातन धर्म को ही ख़त्म करो, तब क्या मर गए थे ये टूल किट वाले, ये जो फैक्ट चेकर है जुबैर ख़त्म हो गया था, साइमा ख़त्म हो गई थी, अरफा ख़त्म हो गया था, रवीश ख़त्म हो गया था, ये जो क्या नाम है उसका जीत अंजुम और अभितार से लेकर के, और मतलब ये सब मर गए थे क्या? क्या सोचिए वो किस तरीके से चुप्पी लाते हैं और आपको कल्पित बना देते हैं और अपना फिर वो गेम खेलने लगते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। और ये जो दानिश अली है वो बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी के एमपी है, बहन मायावती के कंधे से लग के तो रोया नहीं, वो चला गया राहुल गांधी के पास और राहुल गांधी भाग के उसे घर पे आए, उसे हाथ मिला रहे हैं। तो आप समझिए कि हिंदू सनातनी धर्म को, मेजोरिटी को मिटा देने की बात जो करता है वो अपराधी नहीं है इन लोगों की नज़र में, वो उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और ये लुच्चा लफंगा गुंडा मवाली आतंकवादी कटवा जैसी चीज़ें जो कह दिया तो वो अपराधी हो गया, हेट स्पीच हो गया, पूरे धर्म को ख़त्म कर दो। भारत की जमीन है, जिसकी जमीन है, जिसकी कर्मभूमि है, जिसकी धर्मभूमि है, वो कुछ नहीं है। एकम सनातन दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंकुर शर्मा ने लिखाया FIR उदय स्टालिन के पीछे और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आप उनको सुनिए, आप अंकुर शर्मा को सुनिए। सनातन संस्कृति सभ्यता आज बधाई का पात्र है, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहा था, सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था, एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ताओं ने आज जम्मू के कोर्ट से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करवाने का आदेश प्राप्त किया है। जम्मू कोर्ट ने SSP जम्मू को इस केस में इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया है और आदेश दिया है कि स्टालिन के खिलाफ पूरी इंक्वायरी की जाए। स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ जो जो बोला है उस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाए। एकम सनातन भारत दल जो सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म के सशक्तिकरण हेतु एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पूरे भारतवर्ष में आज फैला है, उसने ये निर्णय किया है कि सनातन पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से प्रहार करने वाली व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए। तो एक खालिस प्योर हिंदू सनातनी राजनीतिक दल एकम सनातन भारत दल जो है संघर्ष कर रही है, अपनी बातें रख रही है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी अंकुरण के स्टेज में ये लोग तो छाए हुए हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं कि अभी पिछले दिन कल ही बेगूसराय में एक जावेद मियां ने मांस मदिरा पिया अपने दोस्तों के साथ, वहाँ के शिवलिंग को खंडित कर दिया, तो लोगों में आक्रोश उमड़ा, उन्होंने सड़क जाम की, उसमें पुलिस आई और चार हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया। अब ये विधानसभा से लेकर के सड़कों तक पे जो गिरिराज सिंह चिल्ला रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान जो बटा हिंदू मुसलमान के नाम पर, आज भी भारत में वही हो रहा है, ये दीस नहीं है, दैट नहीं है, लेकिन ये सब नाटकबाजी है, ये मास्टर स्ट्रोक है। अरे गिरिराज सिंह खड़े हो गए, उन चारों को जो गिरफ्तार किया उसके लिए थाने गए क्या, कोर्ट गए क्या, FIR कराई क्या कि गलत हुआ है? और जिसने खंडित शिवलिंग, आक्रोशित लोग और लाठी चार्ज करती पुलिस, लोग क्या मांग कर, हम लोग मांग कर रहे इंसाफ चाहिए, क्या ऐसा किया? और नीतीश कुमार कह रहा है कि दारू बंद है, दारू कहाँ बंद है, दारू पी के वो तोड़ा है, आप लोग अभी शिवलिंग तोड़ दिया है, पी खाए तोड़े खाए कुछ भी करके तोड़े, गलत किया, उसके साथ भी कानूनी प्रक्रिया करना चाहिए। 9 बजे खंड हुआ, अभी तक प्रशासन सर कभी कुछ नहीं हुआ है, शिवलिंग को तोड़ दिया गया,
जो तत्व है उसका जानकारी भी लगभग सामने आ रहा है, उस पर कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन तो। देखिए जिन लोगों ने उपद्रव किया था उनको डिटेन कर लिया है, पहचान भी कर ली है, लेकिन आप लोग के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी ने भी अगर बदमाशी की या अफवाह फैलाने की कोशिश की तो पुलिस उस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई करेगी। कि नेहरू से लेके मोदी तक और ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है वो हिंदुओं को भ्रमित करने में लगी हुई है, ठगने में लगी हुई है। और ये देख लो, ये जो विधूरी जी ने जो कुछ कहा है इसको नुपुर शर्मा और टी राजा बनाने की मतलब वो लग गए हैं और लोग कह रहे हैं इसको सजा दो। अरे किस बात की सजा दो, एक मनीष कश्यप NSA लगा के जेल में होता है, दूसरा एडिटर्स गिल्ड के चार पत्रकार जो मणिपुर में जा करके झूठी रिपोर्टिंग करके मैत्री ये हिंदुओं का सर्वनाश करते हैं, उनको मजबूर करते हैं, उनको कटघरे में खड़ते हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हैं, अगर कोई पत्रकार जो है गलत रिपोर्टिंग कर देगा तो कैसे वो जेल में भेजोगे? अरे तो नीति तो वो मनीष कश्यप को क्यों जेल में रखा हुआ है? हैं, ऐसे सत्य को अपना बत्ती बनाओ, पिछवाड़े में वो पीछे का जो जेब है उसमें रखो। क्या है सत्य को समझिए, ये मैं कह रहा हूं। विधूरी जी ने जो कुछ कहा उस सत्य को समझिए, उस आचरण को समझिए। शत्रु बोध अगर खत्म होगा तो आप मारे जाएंगे। ये सेकुलर जो चीज है वो धर्म तो होता नहीं, और सेकुलर अगर भारत होता तो बढ़ता नहीं। सेकुलर अगर भारत होता तो संविधान में लिखा जाता, 1975 में काट के पीट के इमरजेंसी लगा करके 140,000 लोगों को जेल के अंदर भर के उसमें सेकुलर शब्द जोड़ा नहीं जाता। विधूरी जी ने जो किया है उसको जरा मैं दो छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। जो वीडियो चल रहा है उसे देखिए, और ये जो कपड़े खींच रहे हैं जी हैं, ये विधूरी जी आपको बताना चाहते हैं ये जो कपड़ा पहने हुए है, ये जो इसका आवरण है, ये जो इसका नकाब है, उसके पीछे ये किस तरीके का नंगा है, क्या छिपाया हुआ है, और ये कर क्या रहा है, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे ये चाहता क्या है। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, एक दूसरा एग्जाम्पल ये है कि देख लीजिए ये बंदा भी टोपी धारी है, लेकिन वो टोपी ओपी मत देखिए, कैरेक्टर देखिए, और ऐसे ही कपड़ों के अंदर लोग हैं, ऐसे ही हिंदू सनातनी को ख़त्म करने वाले हैं, ऐसे ही यहाँ की जो वो बहुसंख्यक आबादी है जो हिंदू है सनातनी है उसको मिटाने के चक्कर में है। कपड़ों के अंदर ऐसी खोखली बातें हैं, कपड़ों के अंदर ये धोखा है। अब समझिए विधूरी जी ने उन्हें नंगा किया है, साफ किया है, आपको समझाया है। सत्य को समझना है तो आप ज़रूर समझिए। जय सिया राम, हरिओम। चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे।